एक दूसरी आयत चौबीसवें पारे में है लइी अशरक्ता लह बतना आमलुका वक् मिनल ख़ासन इसमें लइिन अशरक्ता खिताब जो है वो है हर मुखातब को चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से तो ऐसा कोई एतमाल ही नहीं तो अल्ला फरमाता लइिन अशरक्ता ऐ सुनने वाले अगर तू ने अल्लाह का शरीक ठहराया अशरकता क्या होगा लतन्ना आ मालू का तो ज़रूर तेरा सारा अमल ज़ाया हो जाएगा वाला तकू नन्ना मिनल्खासन और ज़रूर भी ज़रूर तू खसारे वालों में से हो जाएगा अब यहाँ पर यह जाहिर है कि शर्क जो है वो म अजीम है और जब शिरक आ जाए माज तो फिर पीछे कुछ बचता नहीं लशरक्ता आम अलू का वाला तकू नन्न मिनल अब इनके नजदीक यहां ये एक तो इन्होंने बात भी की है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के सरकार से ये कहा जा रहा है और फिर कहा किस वजह से जा रहा है कहा कहते हैं इस वजह से जा रहा है कि अल्लाह ने फरमा अगर तुमने सिवाय अली के और भी कोई वली माना तो अयर रसूल तुम्हारे सारे अमल ज़ाय हो जाएंगे माज यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती मौला अली रदी अल्लाह तहों को करार देते हुए और फिर अल्लाह की तरफ से रसूल पाक सल्ला वसम के लिए ये एक आर्डर साबित किया जा रहा है कि खाल कायनात जल्ला जलालू नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआज़म सल्ला वसल्लम के बारे में ये फरमा रहा है तो फिर असल उसूल बंदगी तो उस ताजवर की होगी यानी फिर तो असल मकाम व मरतबा तो हज़रत मौलाली रजी अल्लाह तुका है कि जिनकी वलायत यह सिर्फ़ उनकी वलायत मान उनके साथ अगर किसी से सिद्दीक उमर रजी अल्लाह तुमा की वलायत मानी ए पैगम्बर तो फिर यह है कि तुम्हारी नबूत भी नहीं बचेगी फिर तुम खासरीन में से हो जाओगे इससे बड़ी तोहन रसालत और क्या हो सकती है और इससे बड़ी ज़ात रसूल सल्म से दुश्मनी क्या हो सकती है नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआजम सल वसम से बगावत और क्या हो सकती है तो ये यानी सिर्फ फार्मेलिटी के लिए रसूल पाक सल को रसूल कहते हैं और कलमा पढ़ते हैं और असल मामला जो है वो यानी आयत में ये सीरियस मकाम पर जो मकाम मकाम तोहीद है ये वो मकाम मकाम अली बना रहे हैं और उस मकाम में खिला वर्जी शिरक है ये वलायत अली के लिहाज से किसी और को वली मानने के लिहाज से उसे शिरक बना रहे हैं यानी कितना दादर दा है ये गुमराह के अंदर और बात गढ़ने के अंदर कोई मुसलमान यानी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि इतना रसूल पाक पाको माजल्ला तो फैली बना रहे हैं और असल हैसियत मौला अली अल्लाह तु को दे रहे हैं और इसी डगर पर आज चलते चलते ये रिफज जो है वो फिर आल सुन्नत में सिरात कर रहा है तब वो वो गुजरात का एक बतौरा कहता है कि जिस वक्त हम अपना सल्ला नस्ब देखते हैं तो आगे हमें मोहम्मद तो नजर ही नहीं आते असल पीछे वो तहरीक है ये जिसमें शुरू में उन्होंने कहा था रवाफ ने कि फरिश्ते से गलती हो गई थी वाहि तोलानी मौलानी रदी पर थी ये हर जगह उनकी ये सूरत हाल है अब ये किताब हयातुल्कलूब जल्द नंबर तीन मुला बाकर मजलिस उसने इस आयत की तशरी में ये लिखा है सफ़ा नंबर एक सौ बारह लई नशरकता लह बतन्नालुका वाला तकूनन्ना मिनलरिन और फिर घर के एक शाह नजूल बनाया है यानी झूठ भी इतना अंदाज से बोलते हैं कि पहले झूठ का भी पस मंजर और शान नजूर बना लेते हैं अपनी तरफ से वो ये है कि कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जलाल ने सलाम को भेजा और सबब ये बना कि मुआज़ बिन ज़बल रदी अल्लाह तला ने रसूल पाक वसम से यह कहा कि शरीक कन दर वलायत अली दीगर मरदम मैल कन बखोले तो अब इन बातों को बयान करने में भी फिर आगे खतरा है किसी के दिल में ये बातें ही ना बैठ जाए जो उनके खड़े हुए शाद नजूल है कि कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम आप का कलमा ज़्यादा लोग तब पढ़ेंगे जब आप ये वलायत में सिर्फ़ मौला अली को ना रखें और भी वलायत में लोग शामिल करें और आपने सिर्फ़ मौला अली को वलायत में रखा हुआ है ये तजवीज़ दी हज़रत मवाज़ बिन जबल रदी अल्लाह कि और भी वली होने चाहिए आपके औरों की भी वलायत होनी चाहिए तो ये लिखता है कि इस पर जी वनीम को अल्लाह तला ने भेज दिया क्या कहकर ये लफ सुने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जबरी लाए कि अल्लाह फरमा रहा है अगर बाअली दिगरे राश गर्दानी अमले तो हबत कि अगर तुम मौला अली रजील्ला के साथ किसी और को शरीक करोगे वलायत में तो तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाएगा नकल कुफर कुफर नबाश अगर बागरे राशर्क गर्दानी अमले तो हबत मिशव व नमी तोानद के खुदा पैगम्बर रा बसु बसुह आलम बरफिरस्त व शफी गुनागारा बाशद व तरसद के वो शरीक बा खुदा करार दहद यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहराने की भी वो यही सूरत बना रहे हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म है कि मौला अली के साथ कोई शरीक ना ठहराओ वलायत में तो अगर तुमने मौला अली के साथ कोई और भी वली बना लिया तो ये गोया कि तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया माजा और यहाँ तक ये लफज लिख दिए पस मुरादास के शरीक गर्दानी दर वलायते अली मरदान दीगर रहा लर्क था कि अगर तुमने शर्क किया तो उसका कि क्या माना है पस मुरादास के शरीक गर्दानी दर वलायत अलीसम अली मरदान दीगर रहा अगर दूसरे लोगों को तुम वलायत अली में शरीक ठहराओगे तो तुम्हारे तो अमल जाया हो जाएंगे नबूवत चली जाएगी सब कुछ खसारा आ जाएगा तो ये है यानी इन लोगों की असल सोच यानी असल ये सूरत हाल के जो एक समझी जाती है कि ये सिर्फ हजरत सिद्दीक के अकबर हजरत फारूक आजम हजरत स्मान गनी रदी अल्लाह तुम उन पर अली को मुकदम करना चाहते हैं ये बात इससे भी आगे की है सिर्फ उन पर मुकदम नहीं करना चाहते सिर्फ उनको डैमेज नहीं करना चाहते ये तो खुद ज़ा रसूल सलोल सल्लम पर हमला करना चाहते हैं कि ज़ा रसूल सल वसम पर मौला अली रजी अल्लाह तह को मुकदम करना चाहते हैं कि अल्लाह ने पाबंद कर दिया कि अगर नबूत रखनी है कि ये कि तुम्हारे अमल ज़ाया ना हो और ये तुम अपनी मंजिल में कामयाब हो जाओ तो फिर अली के सिवा किसी को वली ना बनाओ अली ही वली हो और इसको फिर उन्होंने रवा फिर ने शिरक शो किया हुआ है कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह साथ किसी और को अगर वली बनाओगे तो ए नबी तुम शिरक कर बैठोगे हालांकि शिरक तो अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराने से शिरक होता है यानी इस अंदाज में इन्हें ना हया है मकाम उलोहत का ना हया है मकाम नबूत का मकाम सिद्दीकियत वो तो बाद की बात है यानी ये अल्लाह ताला पर इस तरह की चीज़ें अपनी तरफ से घड़ के अल्लाह ताला की तरफ सौंप रहे हैं और उनको नस्बत कर रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ लगा रहे हैं और वह आयत के अंदर और इनकी ये बड़ी किताबें हैं यानी से ये इनकार नहीं कर सकते जिन से ये नहीं कह सकते कि ये एक छोटा सा बंदा था या ये हमारा है नहीं ये पूरी शुरूत इनकी जितनी आज है उनकी गर्दने झुकी हुई हैं इस मजलसी के सामने और उस मजलिस की ये हालत है कि इतने बड़े कुफर बक रहा है इतनी बड़ी तोहहीने कर रहा है अल्लाह की शान पे हमला कर रहा है अल्लाह के रसूल सलाम की शान पे हमला कर रहा है और साबित क्या करना चाहता है कि मैं मुहब अली तो ऐसे मुहब अली की क्या हैसियत है कि जो मोहब्बत अली रजी अल्लाह तन की आड़ में उलूत का मुनकर हो रहा है अल्लाह की उलूत अल्लाह की तोहिद पर हमला कर रहा है और फिर रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफीजम सल्लाम जिनके तुफैल सब कुछ मिला सब किसी को मौला अली मौला अली हैं बड़ी शान वाले हैं लेकिन सब सरकार के सदके उनको मिला है और ये मौला अली को ऐसी हस्ती बना के पेश कर रहे हैं कि रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी वसल्लम पर लाजम था कि उनका अदब करें एहतराम करें उनके मकाम मरतबा और वलायत के लिहाज से ये रखें मौके कि सिर्फ वो वली और कोई वली नहीं अगर और किसी को वली कहेंगे तो शिरक हो जाएगा यानी ये एक एक बात हजारों कुफियात को मुस्तलम है कि जिसकी बुनियाद पर आगे फतूर ही फतूर है फसाद ही फसाद है ये है इन लोगों का असल पस मंजर और ऐसी बातें हमारे बॉन्गे सुनते हैं कई तो वो वाह वाह कर आज तक तो ऐसी शान अली सुनी ही नहीं है तो अगर तुम हक परस्तों में थे तो ऐसी कुफर वाली सुननी कैसे थी यानी ये कुरान से बिगाड़ कुरान से तसादम और कुरान मजीद से जंग कोई सुननी तो नहीं कर सकता कोई मौला अली का मानने वाला तो नहीं कर सकता मौला अली खुद इस जंग को रद्द करने वाले हैं लिहाजा यानी दूसरी तरफ से जो चीजें इस तरह घड़ी हुई फिर उसको कोई कोई शेप दे के बयान करता है कोई कुछ मुलम्मा करके बयान करता है उनसे ये चीजें वसूल करके आगे बयान करना शुरू कर देते हैं तो ये हंगामा ये माशर है कि क्या हो रहा है दुनिया में इस्लाम के अंदर अब इतना बड़ा हमला क्या यहूदी कर सकेगा नजरानी कर सकेगा वो करेंगे तो उम्मत खड़ी हो जाएगी कि ये यह यहूदी है ये यह नजरानी है और ये अपने आपको मुस्लिम शो करके और कुरान पढ़ के कुरान के अंदर से रसूल पाक सल्ला को डिग्रेड कर रहे हैं जिनके वो रसूल वसल्लम जिनके रुतबे का कोई रसूलों में भी नहीं और सारे रसूलों के वो कायद और सरदार हैं ये उस अजीम हस्ती को मौला अली रजियाल्ला केफफेली बना रहे हैं और मौला अली रजी अल्लाह तुम के ताबे कर रहे हैं और मौला अली रजी अल्लाह तुन की वलायद के आदाबराम उन पर लाजिम कर रहे हैं और एक चीज घड़ के उसको आयत करार दे रहे हैं और उसको फिर आगे शिरक करार देके शिरक का जो वबाल है उसको बयान कर रहे हैं तो ये सूरत हाल यानी एक तो वह है जो वो अपनी तरफ से घड़ घड़ के ना सर है न पैर है आवाज़ आई और ये हुआ और वो हुआ वो बयान करते रहते हैं जब किसी आयत का नाम लें या हदीस का तो उसकी भी ये सूरत हाल है कि वो आयत के लफज तो यही पढ़ते हैं लेकिन आगे कर क्या रहे हैं आयत के साथ और उससे मुराद क्या लेते हैं ये इन सौदागरों के مختلف روب